प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप सभी को पता है कि नागालैंड में हाल ही में सीएम इलेक्शन हुए हैं और वहां पर नए सीएम इलेक्ट हुए हैं, और जब उनका शपथ ग्रहण समारोह था तो वहां पर हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर आए हुए थे और भी मिनिस्टर्स वहां पर थे। तो जब सीएम को वहां पर शपथ ग्रहण करना था तो उससे पहले वहाँ पर मसीह समुदाय लोगों ने गीत गाया है हालेलुया, और वहाँ पर उन्होंने प्रेयर किया है जब शपथ ग्रहण करने से पहले। तो कितना अच्छा लगता है कि मसीह लोगों पर सताव आ रहा है, मसीह लोगों की कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है, पासबानों के ऊपर सताव करा जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, विश्वासियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कलीसियाएँ को तोड़ा जा रहा है। हम पूरे देश में देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर मसीहों पर सताव हो रहा है, फिर भी मसीह लोग अपने अगुओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी मसीह लोग अपने लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं आंसू बहा बहा। तो कितना अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर के जब वचन को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे देश में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे अपनी इच्छा और अपनी रीति के अनुसार काम कर रहा है। और नागालैंड में ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, वहाँ पर हमारे देश के प्रियम प्रधानमंत्री भी जी थे, तो आशा करते हैं कि परमेश्वर का राज हमारे मंत्रीगणों के जीवन में भी आए और हमारे मंत्रीजन भी परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जान सके और उसको ग्रहण कर सके। तो आप सब भी ऐसे ही हमारे देश भारत देश के लिए प्रेरित करते रहिए ताकि परमेश्वर का राज हमारे भारत देश में जल्द से जल्द आने पाए। टू डिलीवर जस्टिस टू द पीपल, टू लीड द स्टेट इन अकाउंटेबिलिटी to the people who has chosen them. The Lord, be transparent in the administration and the governance, Lord. The Lord, be equal to every section of वहाँ पर जो पासबान थे और वहाँ पर जो क्वायर मेंबर्स थे, उन्होंने ऐसे ही प्रार्थना किया है कि वहाँ की जो नई गवर्नमेंट इस समय पर बनी है वो नागालैंड में एक सही रीति से शासन करने पाए और इक्वालिटी के साथ वहाँ के लोगों के लिए काम करने पाए, और सिर्फ ना ही नागालैंड की उन्नति और प्रगति के लिए परंतु साथ ही साथ में नागालैंड के अगल बगल में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी गाँव हैं, शहर है, उनके लिए भी नागालैंड सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बनने पाए जिससे और भी लोगों की प्रगति हो सके। तो परमेश्वर वहां की प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया है, इसके लिए धन्यवाद। This state, led by our chief minister with long life and good health as well. Thanking you, committing the rest of the time of the swearing in ceremony unto your hand, we pray this in Jesus' name. Amen.